हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्लास फोर्थ मैथ्स टुडे वी डू एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट थ्री बिफोर दिस वी अंडरस्टूड द यूनिट टावर ऑफ वेट वेट का यूनिट टावर कैसे स्टार्ट होगा जैसे कल हमने सीखा था सेम वैसे ही है सबसे नीचे किलो आएगा तो किलोग्राम हो जाएगा आज किलोग्राम हैक्टा डेकाग्राम देन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है ग्राम वेट की स्टैंडर्ड यूनिट होती है ग्राम फिर डेसीग्राम, सेंटीग्राम मिलीग्राम। तो जैसे हमने कल सीखा था जब हम बड़ी यूनिट को सबसे बड़ी यूनिट के जी है तो बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करेंगे यानी कि इस साइड को चलते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय वन एंड जीरोस। तो जितने स्टेप्स हम जंप करते हैं उतने ज़ीरो लगते जाएंगे सेम जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे और वन ज़ीरो का ही यूज़ करेंगे जीरोस जैसे हम जंप करते हैं उतने ही जीरोस बढ़ते जाएंगे सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज एक्सरसाइज फोर पॉइंट सॉरी इलेवन पॉइंट थ्री फर्स्ट क्वेश्चन कन्वर्ट द फॉलोइंग यहाँ पे मैंने पहले से ही यूनिट टावर बना लिया है अब हम क्या कर रहे हैं थर्टी फाइव के जी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो थर्टी फाइव के जी को ग्राम में के जी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो के जी से हम मूव करते हैं वन जंप टू जंप थ्री जंप ग्राम तक आने में हमें थ्री जंप लग गए हैं तो हमें डिवाइड मल्टीप्लाई uh, करना है थर्टी फाइव को थर्टी फाइव इज़ मल्टीप्लाई क्योंकि हम बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे और कितने से करेंगे वन के साथ कितने ज़ीरो लगेंगे वन टू थ्री थ्री जम्प से तो थ्री जीरोज़ लगेंगे वन टू एंड थ्री तो आंसर क्या आएगा थर्टी फाइव थाउजेंड ग्राम दिस इज अवर आंसर ओके नेक्स्ट फोर हंड्रेड सेवेंटीन ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है अब हमें छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो अब हम करेंगे डिवाइड तो फोर हंड्रेड सेवेंटीन को डिवाइड करेंगे किससे करेंगे वन के साथ में कितने ज़ीरो लगेंगे देखते हैं ग्राम को किलोग्राम में तो सेम है हम अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे वन टू एंड थ्री ग्राम से किलोग्राम तक आने में हमें थ्री जंप्स हुए तो हम थ्री जीरोज़ यहाँ पे पुट कर देंगे यानी कि फोर हंड्रेड सेवेंटीन को थाउजेंड से हमने डिवाइड किया तो पॉइंट लगाना मैंने आपको कल सिखाया था फोर हंड्रेड सेवनटीन को थाउजेंड से डिवाइड किया यानी नीचे क्या आ गया थाउजेंड अब जितने जीरो नीचे होते हैं उतने डिजिट पीछे से छोड़ के पॉइंट लगाया जाता है तो पहले हमने लिख लिया फोर हंड्रेड सेवनटीन अब पॉइंट्स के लिए हम ज़ीरोस काउंट करेंगे वन टू थ्री थ्री डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है तो पॉइंट फोर वन सेवन किलोग्राम इज अवर करेक्ट आंसर द नेक्स्ट वन ग्राम को कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में लेट्स स्टार्ट जंप फ्रॉम हियर ग्राम को मिलीग्राम में तो वन टू थ्री जंप्स हाउ मेनी जंप्स वी डू थ्री जंप्स तो फाइव हंड्रेड ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो थ्री जंप्स लिए तो थाउजेंड से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आया फाइव ज़ीरो 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 मिलीग्राम ठीक है देन नेक्स्ट वन एट हंड्रेड मिली ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है मिली ग्राम को ग्राम में अब हम बैक आएंगे वन टू थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स बैक आए तो हम एट हंड्रेड टेन को डिवाइड करेंगे थाउजेंड से ठीक है थ्री ज़ीरो लगा दिए तो पॉइंट लगाने का सिस्टम मैंने आपको बताया था ऊपर वाली वैल्यू लिखी और नीचे कितने ज़ीरो हैं उतने डिजिट पीछे से छोड़ देंगे तो थ्री ज़ीरो हैं वन टू थ्री तो पीछे से थ्री काउंट करो वन टू थ्री तो पॉइंट कहाँ गया फ्रंट में पॉइंट कभी भी हम शुरू में नहीं लगाते उससे पहले हम ज़ीरो लिख लेते हैं तो ज़ीरो पॉइंट एट वन ज़ीरो ग्राम अवर आंसर अब इसके आगे जो क्वेश्चन है से वो सेम ऐसे ही हैं इन्हें आप सेल्फ करेंगे And do practice in rough than in fair. Okay, so do this exercise 11.3. Thank you.